ग्रहण कर सकेंगे, तत्पश्चात अपना आभार ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने एक मुख्य शब्द कहा
कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए इन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है। और समाज को ही उन्होंने आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघचालक जी का वक्तव्य था। कितना आने मात्र से ही हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दोगुनी बढ़ जाती है और उनके उद्बोधन और संबोधन के बाद उनका जो प्याथे हम सबको प्राप्त होता है वो आगे कार्य को और गति देने के लिए हमें अत्यधिक स्फूर्ति प्रदान करता है और हम सब दोगुने उत्साह से आगे के कार्य को बढ़ाने में लग जाते हैं। ये पूजनीय सरसंघचालक जी के आने का हम सबको लाभ प्राप्त होता है। पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं पूरे देश में नए ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से उन्होंने व्यापकता के साथ इस बात को रखा है कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं, वो जितने लोग हैं, वो विचार से, वो हर प्रकार से उन्होंने जितनी व्यापकता के साथ बात रखी, हम समझते हैं उस व्यापकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यापकता के साथ उन्होंने विषय को रखा। जब हुआ जहाँ हुआ प्रणाम अगर यहाँ सेट कर लीजिए हम लोग को यहाँ